नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। नाभा में एक्साइज विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर शमशान घाट के अंदर जमीन के नीचे दबाकर रखी शराब की खेप को किया बरामद। फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखते हुए पुलिस कमिश्नर जालंधर गुरुशरण सिंह संधू ने बल्ट्रन पार्क का किया दौरा, शहर में सुरक्षा के प्रबंध किए कड़े। धूरी में मुख्यमंत्री की बहन ने किया धान की सरकारी खरीद का उद्घाटन, किसानों व आढ़तियों को आ रही मुश्किलों को सुन जल्द हल करवाने का दिया आश्वासन। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब सरकार द्वारा नशा खत्म करने के लिए सख्त हिदायतें जारी की गई हैं, पर नशा तस्कर नए नए हथकंडे अपनाकर नशा तस्करी करने में बिल्कुल गुरेज नहीं कर रहे हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल देखने को मिली नाभा के गांव लुभाना में, जहां शमशान घाट के अंदर दर्जनों के करीब नाजायज शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। ये नाजायज शराब शमशान घाट के अंदर जमीन के नीचे दबाकर रखी गई थी, जिसे एक्साइज विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर बरामद किया है। इस मौके पर एक्साइज विभाग के इंस्पेक्टर गुरप्रीत सिंह ढींडसा ने कहा कि उन्होंने गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्यवाही करते हुए शमशान घाट में से नाजायज शराब बरामद की है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने कारोबार में ये पहली बार देखा है कि नशा तस्करों द्वारा शमशान घाट में शराब की बोतलें दबाकर रखी हुई थी, जिसका मामला अब पुलिस में दर्ज करवा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस बनती कार्यवाही करेगी। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। अज असी पंजाब सरकार वालों नशे विरुद्ध जड़ी शुरू की गई है मुहिम, तो साढ़े मानयोग सहायक कमिश्नर आबकारी श्री इंद्रजीत सिंह नागपाल जी के दिशा निर्देशों अनुसार नजायज शराब के विरुद्ध जी मुहिम छिड़ी गई है, उस दौरान असी अज पिंड लवाणा दे शमशान घाट से सानू कोई गुप्त सूचना मिली सी, जिदे अनुसार असी शमशान घाट के विच सर्च किया, तो सर्च के दौरान सानू अपना 46 बोतल फार सेल इन हरियाणा देसी शराब दियां सानू बरामद हुई। फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखते हुए शहर में सुरक्षा के प्रबंध कड़े कर दिए गए हैं। पुलिस की ओर से शहर में गश्त भी बढ़ा दी गई है। इसी संबंध में पुलिस कमिश्नर जालंधर गुरशरण सिंह संधू की ओर से बल्ट्रन पार्क का दौरा किया गया, जहां पर 5 अक्टूबर को रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा। इस दौरान पत्रकारों को जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर गुरशरण सिंह संधू ने बताया कि उनकी ओर से शहर की सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। इसके साथ ही हर शरारती तत्व पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना ना घटित हो सके। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੱਛਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦਿਵਾਲੀ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਟਾਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਈਟ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਦੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਫੁੱਟਫਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਓਵਰਆਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ। धूरी में धान की फसल की सरकारी खरीद का उद्घाटन मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान की बहन मनप्रीत कौर की ओर से किया गया। इस मौके पर किसानों और आढ़तियों ने उनके समक्ष अपनी मुश्किलें रखी, तो वहीं मुख्यमंत्री की बहन ने मंडियों में किसानों को किसी भी तरह की समस्या ना आने का विश्वास दिलाया। इस दौरान आढ़तियों ने मुख्यमंत्री की बहन के आगे मांग रखी कि मंडी को आने वाले रास्ते को ठीक किया जाए, क्योंकि जो भी रास्ते मंडी को आते हैं उनकी हालत बेहद खराब है, जिस कारण किसानों और आढ़तियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री की बहन मनप्रीत कौर ने आढ़तियों और किसानों को विश्वास दिलाया कि जल्द से जल्द उनकी मुश्किलों को हल किया जाएगा। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। पूरे पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की ओर से
17 के करीब रेल ट्रैक जाम किए गए। वहीं अमृतसर से दिल्ली जाने वाले मुख्य मार्ग को भी किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सदस्यों की ओर से रेल ट्रैक पर बैठकर रोष प्रदर्शन किया गया। वहीं इस प्रदर्शन के कारण अमृतसर रेलवे स्टेशन पर बैठे यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस दौरान यात्रियों का कहना था कि वे सुबह से ही रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन ट्रेन समय पर ना चलने के कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। हाँ जी, सानू उस बारे सानू पता ही नहीं सी कि गड्डियाँ लेट होनी है या किसान की इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐसे तो दो तीन दिन घूमन ऐसे आए हैं, हम वापसी आ जाए तो इतने आके बैठे हैं, 12 बजे आके बैठे हैं, तो सानू कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि गड्डी आएगी। वो लोग कह रहे हैं इंक्वायरी वाले गड्डी आएगी तो तुम्हें दस देंगे, इन्फॉर्मेशन माइक तो हो जाएगी, लेकिन लोग कुछ दस नहीं रहे। और हमें डिस्प्ले होया तो कह रहे हैं कि गड्डी डिले है, कितनी देर डिले होगी, कितने बजे आएगी, कितने बजे जाएगी, अच्छा सानू कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं। और बड़ी मुश्किल हो रही है, और भी बच्चे बड़े ने जोड़े छोटे छोटे बच्चे ने उन्होंने बहुत तंगी हो रही है। बाकी अपना काफ़ी देर हो गया, 3.5 घंटे ज अपने हूँ तक अभी घर पहुँच जाना, अं जाके चाह पानी भी पी लेना अं, पर हूँ इतने ट्रेन का अजू कोई पता नहीं कदों चलनी है कदों नहीं चलनी। जो किसानों ने धरना लगाया हुआ है वो बिल्कुल जायज़ धरना लगाया हुआ है। असं आए हैं, असं परेशानी है, 1:30 बजे तो बैठे हैं, इंतजार करते हैं, कोई पता नहीं कद आनी है कद जानी है। थोड़े आए तो लाउंस ए सी दी तो उदा भी बैठे, गर्मी से बैठे हैं। किसान भी अपनी जगह सही है, ठीक करे, उन्होंने भी अपनी जगह से कम सही करे। अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्करों द्वारा सर्वप्रथम डिप्टी कमिश्नर संगरूर के कार्यालय के बाहर रोष प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद आंगनवाड़ी वर्करों ने इकट्ठे होकर संगरूर बस स्टैंड के दोनों गेटों के समक्ष पंजाब सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान देखते ही देखते आंगनवाड़ी वर्करों और बस ड्राइवरों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, क्योंकि बस ड्राइवरों की ओर से अपनी बसों को बस स्टैंड से बाहर ले जाने की कोशिश की गई, जिसके बाद आंगनवाड़ी वर्करों ने बसों के आगे खड़े होकर अपना रोष प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिस कारण राहगीर काफी परेशान हुए। इस मौके पर आंगनवाड़ी वर्करों ने कहा कि अगर उनकी मांगे ना मानी गई तो वे 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। हाँ जी, अज बस स्टैंड रोकने का कोई साडा प्रोग्राम नहीं सीगा, असी 10 बजे तो लैके डीसी दफ्तर संगरूर दे मूहरे बैठे सीगे, क्योंकि आल पंजाब दे विच अज फैसला किया सी कि डीसी राही असी मंग पत्र मुख्यमंत्री साहब नूं भेजणे आ, पर 10 बजे तो लैके 1 बजे तक साडा कोई भी अधिकारी मंग पत्र लैण नहीं सी पहुंचिया। इस करके असी 1:15 बजे बस स्टैंड दा के घराओ किया, पर इत्थे दे प्रशासन ने कोई भी मतलब जिम्मेवारी नहीं निभाई हैगी। साडा आपस विच ही पब्लिक दे नाल टकरावाजी करवाउण दे विच सफल होए ने। दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों के आंदोलन को खत्म हुए बेशक 1 साल हो का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक लखीमपुर खीरी के दोषियों को सजा नहीं मिल पाई है, जिसके चलते अब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की ओर से अमृतसर में पंजाब की 17 ट्रेनों का चक्का जाम करने का फैसला लिया गया है। वहीं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के इस प्रदर्शन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस दौरान बुजुर्ग किसान महिला का कहना है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अपनी बहन और अपनी पत्नी के जरिए पैसे इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, लोगों की मुश्किलों की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। साडिया मुख मंगाए आ साडे किसानां नूं इंसाफ दिता जाए, जिहड़े लखीमपुर खीरी दे 4 किसान साडे शहीद होए आ, 30 साहब 5 पत्रकार सी, उन्हां नूं अज तक वेखो उन्हां दीआं जिंदगियां दा कोई मुल नहीं समझा सरकार ने, लेकिन अपना जिहड़ा इहनां दा मिनिस्टर आ उहदा मुल, उहदे पुत दा वी मुल आ, और 5 परिवार जिहड़े आ एक किस्म दे बेआसरा हो गया, उन्हां दा इहनां नूं कोई तरस नहीं है। दूसरा वेखो साडे पंजाब दे ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ। ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਰੋਡ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰੋਡ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 1 ਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਫਸਲੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ
कि जे भगवंत मान की सरकार वाकई लोगों की सरकार आ तो फिर जोड़े लोगों का अज आ कारपोरेट रोड माफिया जोड़ा धक्का कर रहा लोगों की तरफों आर्बीट्रेटर के भगवंत मान की सरकार जी केस फाइल करे तो लोगों जोड़ा इंसाफ लैके दे। जहां एक तरफ भाजपा की ओर से पंजाब में अलग अलग जगहों पर रोष प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वहीं अमृतसर में भाजपा नेताओं की ओर से भाजपा कार्यालय के अंदर ही आप सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा नेता सुखमिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से पंजाब के लोगों के पैसों का नाजायज लाभ उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव डाला गया था जिस कारण सेशन रद्द हुआ था। पंजाब सरकार द्वारा गवर्नर को लिखकर दिया गया था कि वह विश्वास प्रस्ताव नहीं डालेंगे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पहले दिन ही विश्वास प्रस्ताव डाल दिया जिस कारण विधानसभा सेशन भंग हुआ। उन्होंने कहा कि आप सरकार भाजपा पर आप नेताओं को खरीदने की कोशिश करने के आरोप लगा रही है, लेकिन किसी भी भाजपा नेता का नाम पंजाब सरकार लोगों के सामने पेश नहीं कर सकी, जिससे पता चलता है कि सरकार सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जड़ी भगवंत मान सरकार ने संविधान की उलंघना की है, उन्होंने गवर्नर साहब न लिख के दिता सी कि आप जड़ा कॉन्फिडेंस जड़ा नो कॉन्फिडेंस जड़ा मोशन है जड़ा हैगा ये नहीं लियावांगे, पर उन्होंने पहला ही जड़ा हैगा जदों उन्होंने कैंसल कर दिता सी अजलास, पर इन्होंने लिख के दिता सी कि असी नहीं लियावांगे तो उन्होंने उन्होंने परमिशन दे दी, पर इन्होंने फिर उही काम किया, इन्होंने नो कॉन्फिडेंस जिहड़ा मोशन जिहड़ा वो लैके आंदा। इस संविधान की सीधी तो सीधी उलंघना है, लोगों के जिहड़ी पब्लिक का पैसा सी जिहड़ा उन्हू इन्होंने खराब किया सिर्फ इस करके कि जिहड़े इन्होंने वादे इन्हों को पंजाब दे विच लोगों के प्रति जिहड़े किए सी इन्हों को पूरे नहीं होए, जिहड़े इन्होंने मंत्री जिहड़े हैगे ने ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਕੁਛ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ। भारत में हर वर्ष दशहरा पर्व के अवसर पर रावण दहन किया जाता है। दशहरा पर्व पर जलाए जाने वाले रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले चाहे देश भर में तैयार किए जाते हैं, पर अमृतसर के लोहगढ़ चौक में स्थित रावण मंडी इन पुतलों को बनाने में पूरे पंजाब में प्रथम श्रेणी में आती है। इस मंडी में तैयार होने वाले पुतले ना केवल जिला अमृतसर में बल्कि पंजाब के अलग अलग शहरों में सप्लाई होते हैं। इस कारोबार की शुरुआत दशहरे से 2 महीने पहले शुरू हो जाती है। इस कारोबार में 70 सालों से काम कर रहे और रावण बनाने वाले कारीगरों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनका परिवार 70 सालों से इस कारोबार में लगा हुआ है। उनके द्वारा तैयार किए गए पुतले पंजाब के हर शहर में जलाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे महंगाई की मार ने इस कारोबार में कमी कर दी है, पर विरासती कारोबार को बनाए रखने के लिए वे ये कारोबार कर रहे हैं और इसी तरह करते रहेंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। हाँ जी भाई, की नाम तुहाडा जी? सुभाष कुमार। सर किन्नी देर तो कम हो रहा करदे? साडा मारा 150 साल पुराना काम है। ते किन्नी पीढ़ी है तुहाडी काम दा? ए साडी तीजी पीढ़ी है। सर ए जिहड़े रावण बना रहे हो, ए वड्डे रावण बना रहे कि छोटे ही बंदे हुंदे सी अजकल? नहीं, पहले तो वड्डे बंदे थे, हुण तो आम मिले ही हो गया। जिस तरह लोग खिडौने नहीं बेचते ने, वो हाल हो गया। पहले सब तो पहले साडा दादा बनांदा हुंदा सी, ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਗਾਂ ਸੀ, ਗਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਰ ਪਈ ਆ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮਾਰ ਤਾਂ ਪਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ GST ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਛਿੰਨ ਮਸਤਿਕਾ ਧਾਮ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮੰਦਿਰ ਮੀਏਵਾਲ ਮੌਲਵੀਆ ਕੀ ਔਰ ਸੇ समूह ग्राम पंचायत और NRI भाइयों के सहयोग से 21वां वार्षिक मां भगवती का जागरण गद्दी नशीन सोनू देवा जी की अध्यक्षता में शाहकोट में करवाया गया, जिसमें सुप्रसिद्ध भजन गायक अनुराधा पौडवाल ने उपस्थित होकर मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर DSP गुरप्रीत सिंह गिल, SHO गुरिंदरजीत सिंह नागरा और बीबी बलवीर कौर ने मुख्य मेहमान के तौर पर उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर गुरचरण सिंह, निर्मल सिंह, सोनू मित्तल, श्यामलाल, सुखदीप सिंह, लवप्रीत सिंह, जसविंदर कुमार, साहिल, हरमन, गौरव मैसन, राजेंद्र कुमार, हरजीत, अजय कुमार सहित असंख्य माँ भक्त भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन दविंदर के साथ पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सबके
बाकी भी की चुनरिया भीगी चुनरिया बाकी भीगी चुनरिया भीगी चुनरिया बाकी भीगी चुनरिया सावन की हो सावन की पर से बदरिया बाकी भीगी चुनरिया सावन की पर से बदरिया बाकी भीगी चुनरिया माँ वैष्णो सभा की ओर से 41वां वार्षिक माँ भगवती का जागरण 15 अक्टूबर दिन शनिवार को फग्गू मोहल्ला गड़ा में करवाया जा रहा है। इसी संबंध में कमेटी सदस्यों द्वारा ध्वजारोहण की रस्म अदा की गई। इस दौरान पंडितों ने विधिवत पूजा अर्चना कर सदस्यों से ध्वजारोहण की रस्म अदा करवाई। इस अवसर पर कमेटी सदस्य अमरजीत सिंह बजाज, रविंदर बब्बर, शिव ओम दत्ता, रितेश भगत, अमृतपाल सिंह लक्की, रमेश नागपाल, राकेश शर्मा और गोपी भी मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। आज 41वां माँ वैष्णो सभा गढ़ा की ओर से जिहड़ा 15/10/2022 नूं जगराता हर साल की तरह कराया जाता है, उस संबंध में अज गढ़े दे विच माँ वैष्णो सभा दा जिहड़ा झंडा रसम अदा कीती है और सारे ही रल मिल के जगराते दी जिहड़ी हैगी आ माता राणी साडे सारयां ते कृपा करे। अज सारे जय माता वैष्णो सभा वल्लों जो 41वां वार्षिक जागरण जो संगता दे सहयोग नाल कीता जांदा है उस दे झंडे दी रसम सारे महला निवासी अते जय माता वैष्णो सभा दे मैंबरां वल्लों कीती जा रही है। जय माता वैष्णो सभा वालों 41वां जागरण वार्षिक जागरण गढ़ा विखे करवाया जा रहा है। सारिया संगतां नूं यह बेनती की जाती है कि वढ़ चढ़ के सहयोग दिओ और यह जगराते दे विच अपनी हाजिरी लगाओ और माता राणी का जागरण जड़ा है वह संपन्न कराओ और माता राणी का आशीर्वाद लैके जाओ। जय माता दी। श्री राम लीला कमेटी जालंधर की ओर से श्री रामचरित मानस का आयोजन किया जा रहा है,
जिसमें कथावाचक पुनीत पाठक ने कथा कर उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन किया। इस मौके पर रामाकृष्ण नाटक मंडली के हर्ष मेहता, राजेंद्र राणा, देव वर्मा, शौंकी, समाज सेवक महेश गुप्ता, मधुसूदन शर्मा, संजीव गोयल, रमन मित्तल, प्रोफेसर अनूप वत्स, चरणजीत सिंह चड्डा भी मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए जतिन राजपूत की। मैं तरुण गर्ग, रामलीला कमेटी महासचिव 2022। आप सभी भक्तजनों को बताना चाहता हूं कि जो ये आयोजन चल रहा है बड़ी बावड़ी धर्मशाला में मल्ला नंबर 2 में, इसमें श्री गुरुजी महाराज कथा का आयोजन कर रहे हैं, तो मेरी आप सबसे अनुरोध है कि आप यहाँ कथा स्थल पर पहुँच कर उनके वचनों को सुने और अपना जीवन सफल करें। दशहरे की तैयारियां बड़ी जोरों शोरों पे चल रही हैं और इस बार दशहरा जो है वो देखने योग्य होगा। मेरी आप सब छोनी निवासियों से विनती है कि व्यवस्था को बनाए रखें और अनुशासन में रहकर दशहरे का पूरा जो प्रोग्राम है वो अपनी फैमिली के साथ देखने जरूर आए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री रामलीला कमेटी जलंधर छावनी द्वारा हर साल की तरह इस साल भी भव्य आयोजन दशहरा उपलक्ष्य में किया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत, भगवान श्री राम की ओर से जो रावण के ऊपर रावण का दाह करके और विजय घोषित हुए थे, उसके उपलक्ष्य में जो दशहरा पर्व सदियों से मनाया जा रहा है, वही एक परंपरा जलंधर छावनी में भी है, जो कि इस बार बहुत ही भव्य आयोजन किया जा रहा है। जो हमारे कनिष्क अग्रवाल प्रधान है, उसमें इतना उत्साह है कि वो तो उम्मीद है कि सो ही नहीं रहा। और काफ़ी आज का देखो आप, शोभा यात्रा बहुत बढ़िया निकाली गई, जो एकांकी हो रही है, कथा हो रही है, बहुत ही बढ़िया, लोगों में उत्साह है, कैंटवासी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और जो दशहरा पर्व है वो देखने योग्य होगा। श्री ब्रह्म नाट्य मंडल जालंधर छावनी द्वारा श्री रामचरित मानस पर श्री रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसमें लक्ष्मण द्वारा शूप नखा की नाक काटना, रावण दरबार और सीता हरण का मंचन किया गया। इस मौके पर रावण की भूमिका रविकांत, लक्ष्मण की भूमिका योगेश्वर बस्सी, सीता माता की भूमिका श्रीकांत, शूपनखा की भूमिका शंकर कुमार और रावण की भूमिका सुरेश शशि ने निभाई। इस मौके पर मंडल के प्रधान अनिल बख्शी, चेयरमैन ओपी ठाकुर, कोषाध्यक्ष पंकज मित्तल, महासचिव रविकांत, बड़ी संख्या में राम भक्त भी मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। भैया लक्ष्मण, देखते हो सामने से कितना गर्द गुबार है, मालूम होता है कि वो बदकार अपने साथियों को लेकर इधर ही आ रही है। लक्ष्मण जी, अब सीता जी को साथ लेकर अंदर चले जाओ, ये राक्षसों से डर जाएगी। हृदय तो नहीं चाहता, परंतु आपकी आज्ञा माना मेरा भव्य। सीता हरण की लीला की ब्रह्मनाट्य मंडल पिछले 70 वर्ष से रामलीला करती आ रही है और पिछले कुछ वर्षों से तकरीबन 6 साल से हमने लीला नहीं की थी। इस बार धर्म को देखते हुए हमारे कलाकारों ने ब्रह्मनाट्य मंडल की लीला करने का निश्चय किया और मैं देख रहा हूँ कि बच्चों के उत्साह से और हमारे प्रधान की मेहनत से आज ब्रह्मनाट्य मंडल की लीला बड़े कामयाब होकर चल रही है। मैं ब्रह्मनाट्य मंडल प्रधान, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम प्रभु राम का नाम रामचरितमानस नाट्य रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। छौनी के लोगों में बहुत उत्साह है और रोज़ ही हमारे यहाँ बहुत रश होता है, लोग आते हैं, बच्चों के रोल देखते हैं और उन्हें बहुत शाबाशी देते हैं। मैं छावनी की जनता का और सभी प्रभु भक्तों का हाथ जोड़कर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि बच्चे जो हैं वो आगे से इस रामलीला को कंटिन्यू रखें।
अपनी आवाज से हर दिल पर राज करने वाली गायिका अनुराधा पौडवाल ने सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन दरबार में माथा टेका। उनके साथ IAS तनु जैन भी विशेष रूप से शामिल थे। गायिका अनुराधा पौडवाल ने जहां मां के पावन दरबार में नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया, वहीं उन्होंने मां त्रिपुर मालिनी के दरबार में जाकर भी आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर प्रबंधक कमेटी के सदस्यों और मंदिर के सेवादार रामगोपाल, रमन शर्मा, भूषण कोहली, पवन मेहता की तरफ से उनका भव्य स्वागत किया गया और मां की चुनरी देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गायिका अनुराधा पौडवाल ने कहा कि जब जब श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी उन्हें बुलाएगी, वह इस पावन दरबार में आकर नतमस्तक होती रहेंगी। वहीं उन्होंने मंदिर प्रबंधक कमेटी द्वारा मंदिर में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा भी की। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। भजन गायिका अनुराधा पौडवाल सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर में नतमस्तक होने के लिए विशेष रूप से जालंधर पहुंची। इससे पहले वे दैनिक सवेरा के मुख्य कार्यालय सवेरा भवन जालंधर में पहुंची, जहां पर उन्होंने दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विच और संयुक्त संपादक अभिषेक विच के साथ विशेष मुलाकात की। इस दौरान दैनिक सवेरा भवन में पहुंचने पर अनुराधा पौडवाल और उनके साथ आए मेहमानों का भव्य स्वागत भी किया। हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको टी सीरीज की क्वीन कहा जाए या फिर भजन की क्वीन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हमारे साथ है पद्मश्री अनुराधा पौडवाल जी। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी समय के बाद मैं यहाँ आई हूँ और बहुत अच्छी मेमोरीज है। बहुत सारे जगराते वगैरह हम लोग किया करते थे, तो काफ़ी सालों के बाद दोबारा से आना हुआ है तो अच्छा लगा। बेटी जो है कविता पौडवाल, वो भी अभी बहुत अच्छे एक गायक है, भजन गाते हैं, तो उनको कह लो कि आपकी तरफ से ही इतनी अच्छी शिक्षा मिली है, तो आगे क्या वो भी बॉलीवुड वगैरह में जाएंगे? ऐसे तो कुछ डिसाइड नहीं करते कि यही करना है वही करना है, बट माता रानी की कृपा है। भजन गायक की तरफ, गायकी की तरफ आ गए, क्या कारण रहा कि बॉलीवुड से दूर हो गए? नहीं, ये बात नहीं, भजनों में ज़्यादा रुचि रही और उन दिनों में बहुत सारे भजन वगैरह हुआ करते थे, काफ़ी पिक्चराइजेशन, तो वक्त बहुत उसमें लग जाता था जी, तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न।
तो हम आपको बता दें कि अनुराधा जी ने हर एक लैंग्वेज, जो भी इंडिया की हर एक लैंग्वेज होती है ना, उसमें उन्होंने सॉन्ग वगैरह सारे गाए हैं। बहुत सारे अवार्ड्स आपने जीते हैं, मतलब 80s और 90s के सॉन्ग के लिए भी। तो क्या दोबारा से फिर से कोई सॉन्ग हमारे लिए आ सकता है, जो कि बच्चे जो आज के हैं वो भी आपको सुन? नहीं, ये माता रानी जानती है, इसका मैं डिसाइड नहीं कर सकती। दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप और मैं रजिंदर कौर, और आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनको टी सीरीज की क्वीन कहा जाए या फिर भजन की क्वीन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हमारे साथ है पद्मश्री अनुराधा पोडवाल जी। सो सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है, और हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, लक्की फील कर रहे हैं कि आप यहाँ हमारे सामने हैं। जय माता दी। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी समय के बाद मैं यहाँ आई हूँ, और बहुत अच्छी मेमोरीज़ है। बहुत सारे जगराते वगैरह हम लोग किया करते थे, तो काफ़ी सालों के बाद दोबारा से आना हुआ है तो अच्छा लग रहा है। तो आज नवरात्रे चल रहे हैं, आज आप देवी तालाब मंदिर भी जाएंगे, वहाँ पर आप भजन संध्या को संबोधित भी करेंगे? वहाँ पे दर्शन के लिए जाएंगे, बाकी शाहकोट में प्रोग्राम है। हाँ जी, तो आपकी बेटी जो है कविता पोडवाल, वो भी अभी बहुत अच्छे एक गायक है, भजन गाते हैं, तो उनको कह लो कि आपकी तरफ से ही इतनी अच्छी शिक्षा मिली है, तो आगे क्या वो भी बॉलीवुड वगैरह में जाएंगे? अब देखें, जैसे भी मौका मिलता है, क्योंकि सिंगर्स होते तो ऐसे तो कुछ डिसाइड नहीं करते कि यही करना है वही करना है, बट माता रानी की कृपा है जी। तो सबसे पहले तो 80s और 90s में आपके बहुत सारे ऐसे सॉन्ग हैं जिनके कि लोग आज भी दीवाने हैं, आज भी वो बजते हैं कि लोगों के दिमाग में, जहन में आज भी ज़िंदा है। और उसके बाद एकदम आप भजन गायक की तरफ, गायकी की तरफ आ गए, क्या कारण रहा कि बॉलीवुड से दूर हो गए? नहीं, ये बात नहीं, भजनों में ज़्यादा रुचि रही, और उन दिनों में बहुत सारे भजन वगैरह हुआ करते थे, काफ़ी पिक्चराइजेशन, तो वक्त बहुत उसमें लग जाता था जी, तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। तो हम आपको बता दें कि अनुराधा जी ने हर एक लैंग्वेज, जो भी इंडिया की हर एक लैंग्वेज होती है ना, उसमें उन्होंने सॉन्ग वगैरह सारे गाए हैं, लेकिन पंजाबी में भी बहुत सारे जो आपके सॉन्ग्स थे वो उन दिनों में बहुत ज़्यादा मशहूर हुए थे, और साथ में भजन भी बहुत सारे जो पंजाबी में शब्द गाए थे तो वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए। लेकिन आपका जो सबसे दिल के करीब है, अगर मैं भजन की बात करूं, सबसे दिल के करीब जो आपको लगता है कि आपका, आपने माता रानी से बात कर ली, वो कौन सा है? तूने मुझे बुलाया शेरावाली, और आऊंगी आऊंगी। मैम दो लाइनें हो जाए प्लीज। आऊंगी आऊंगी मैं अगले बरस फिर आऊंगी, लाऊंगी लाऊंगी तेरी लाल चुनरिया लाऊंगी, माता ओ माता पहाड़ा वाली माता। क्या बात है। तो मैम का जो ये सुर है, जो इतनी सुरीली आवाज़ है, उसके कारण ही ऐसे लगता है कि हम माता रानी से बात कर रहे हैं और भजन की। मैम अगर हम बात करें कि बहुत सारे अवार्ड्स आपने जीते हैं, मतलब 80s और 90s के सॉन्ग के लिए भी, तो क्या दोबारा से फिर से कोई सॉन्ग हमारे लिए आ सकता है, जो कि बच्चे जो आज के हैं वो भी आपको सुन? नहीं, ये माता रानी जानती है, इसका मैं डिसाइड नहीं कर सकती। बहुत बहुत धन्यवाद हम उनसे बात करने के लिए जी। थैंक यू। सो ये थे हमारे साथ अनुराधा पोडवाल, जिन्होंने कि हमारे साथ बात की, और नवरात्रि के दिन चल रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारी भजन संध्या है, प्रोग्राम है, जिनमें वो शिरकत करेंगे और भजन भी गाएंगे। माँ दुर्गा के चल रहे नवरात्रों के पावन अवसर पर सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में चल रही नवरात्रों की हर शाम माँ के नाम भजन संध्या के सातवें दिन भजन संध्या करवाई गई, जिसमें भजन गायकों ने सरस्वती वंदना और गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद भजन गायक हैप्पी एंड पार्टी ने माँ की सुंदर भेंटों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता, मंच संचालक बलदेव आनंद, पार्षद रीटा शर्मा, यादव खोसला, रमन शर्मा, भारत भूषण बजाज, जगमोहन सिंह खोसला, गायक राजकुमार सहगल, प्रदीप पुजारी, भूषण कोहली, राजू मखीजा, रजनी मखीजा, शिवम मखीजा, मैत्री मखीजा,
पवन मेहता, राजू शर्मा, इंद्रजीत सिंह राही, पुलकित भंडारी, दीपक झांजी, राकेश बिल्ला और नीरज मित्तल सहित असंख्य मां भक्त भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। प्यारे तेरे दैनिक सवेरा टीवी सेट बॉक्स, दैनिक सवेरा केवल कह देते हैं, पूरे पंजाब में इस समय चल रही है। मैं कई बार पहले भी आपको सूचना दे चुका हूं, जिनके घरों में अभी तक दैनिक सवेरा का सेट बॉक्स नहीं लगा, वह कृपया अपने केबल ऑपरेटर से बोलें कि हमारे परिवार में दैनिक सवेरा का सेट बॉक्स लगाना है। वह आपके घर में दैनिक सवेरा का सेट बॉक्स लगाएगा। जो इस बॉक्स की कीमत है, बहुत ही कम कीमत है, कीमत नहीं है, सेवा है। जैसे बाबू जी शीतल जी मंदिर की सेवा कर रहे हैं, वैसे ही भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं। माँ बंगला मुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक में शारदीय नवरात्रों के आठवें दिन की शुरुआत धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में हुई, जिसकी शुरुआत वैदिक रीति अनुसार विधिवत पूजन उपरांत ब्राह्मणों द्वारा की गई, जिसके पश्चात संस्थापक नवजीत भारद्वाज ने आठवीं नवरात्रि देवी माँ महागौरी की पूजा के बाद आए हुए यजमानों से हवन यज्ञ में आहूतियाँ डलवाई। इस अवसर पर सोनू छाबड़ा, समीर कपूर, श्रीकंठ चर्च, जोगिंदर सिंह, राकेश प्रभाकर, बलजिंदर सिंह, विक्रम भसीन, नीरज पाठक, अमरजीत सिंह, मनीष शर्मा, विक्रांत शर्मा, संजीव शर्मा, गोपाल मालपानी, राघव चड्डा, समीर कपूर, अश्विनी शर्मा, संजीव शर्मा, मुकेश चौधरी, संजीव सांवरिया, मुनीश शर्मा, यज्ञदत्त, रोहित भाटिया, रॉकी, पंकज साबी, लक्की, सुनील जग्गी, प्रिंस और प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। आज मां बगला मुखी धाम च अष्टम नवरात्रा मां महागौरी जी के निमित्त हवन यज्ञ दे विच विशेष आहुतियां डालियां गईयां और सारे श्रद्धालुओं ने रल के पूर्ण विधि दे नाल महामाई दा जिहड़ा चिंतन सतवन और हवन यज्ञ च आहुतियां पाईयां। कल नौमी है, कल कन्या पूजन होएगा और सारे जिन्ने भी अपने सेवादार है वह समय अनुसार 7 to 8 बजे पहुंचन और जिहड़ा कोई महामाई का भगत नौमी पूजन कन्या पूजन करना चाहता होवे वह कल सवेरे मंदिर च 7 to 8 हैगा प्रोग्राम मां बगला मुखी धाम गुलमोर सिटी च पहुंचे और आके महामाई का आशीर्वाद ग्रहण करे। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि हर साल की तरह इस साल भी विजयदशमी के उत्सव के उत्ते एक विशेष हवन यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जो कि बहुत ही विशाल और विशेष हवन यज्ञ हुंदा है।
कोई भी उहदे विच भगत शामिल हो सकता है। जिस भगत ने शामिल होना होवे उह सानूं काइंडली अपना नाम वगैरह लिखा जावे तां जो उहदे लोड़ींदी समगरी दा असीं अरेंज कर सकीए। जय मां बगला मुखी जी। जय नव दुर्गा। रामलीला समिति की तरफ से प्राइमरी स्कूल रामको फैक्ट्री के सामने गंदईपुर में चल रही श्री रामलीला एवं दुर्गा पूजा के दौरान आठवें दिन श्री हनुमान जी द्वारा लंका दहन का मंचन किया गया, जिसे देखकर दर्शक भाव विभोर हो उठे। इस मौके पर आम आदमी पार्टी की नेता राजविंदर कौर ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर रिबन काटकर इस रामलीला का शुभारंभ किया। इस मौके पर राजविंदर कौर के साथ उनके पति गुरविंदर सिंह, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष व जिला योजना बोर्ड के अध्यक्ष अमृतपाल सिंह, डॉक्टर अमित कुमार शर्मा, बलवीर सिंह और प्रणव शर्मा विशेष रूप से पहुंचे। इस दौरान रामलीला देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस मौके पर दीपक सूरी, राम सिंह, वीपी गुप्ता, डॉक्टर सीताराम, सुशील शुक्ला, विक्रमजीत वर्मा, रमेश मिश्रा, महेंद्र राय, हरिराम प्रजापति सहित असंख्य राम भक्त भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। श्री दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से वार्षिक मां भगवती का जागरण करवाया गया, जिसमें प्रसिद्ध भजन मंडलियों ने गणेश वंदना को गाकर इस जागरण की शुरुआत की, जिसके बाद भजन गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर पार्षद पति रवि सैनी, राकेश सैनी, मोतीलाल यादव, प्रमोद यादव, एके मिश्रा, ओम प्रकाश, भरत प्रसाद, सुनील सिंह, आशु, कुणाल, दिशांत, सार्थक और पुनीत सहित असंख्य मां भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। विश्व जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 16वें वार्षिक सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अगुवाई में 11 जोड़ों के विवाह करवाए गए, जिसकी प्रधानगी बाबा पाल सिंह रंधावा द्वारा की गई। इस सामूहिक विवाह समागम में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कमीशन के डायरेक्टर अमनदीप मित्तल विशेष रूप से पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि हमें लोक भलाई के काम करने चाहिए और बाबा पाल सिंह जी रंधावा के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। इस अवसर पर नव विवाहित जोड़ों को घरेलू जरूरत संबंधी सामान भी दिया गया। इस दौरान एडवोकेट रमन गुप्ता, सुखजिंदर जीत सिंह सलेमपुर वाले, सुरजीत सिंह, मलकीत सिंह, जसपाल सिंह, युवराज सिंह भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। आज दे शुभ दिन ते मैं लटके वाले अति लटकियां वाले नु बहुत बहुत बधाई दिना हां। सतगुरु कृपा करे दिन दुगनी ते रात चौगुनी तरक्की करन। सो गुरु प्यारियो, मैं समूह संगतां दा रहणी हां जिन्हां संजोगी भरावां ने वीरां ने इस उपराले महान उपराले अपना संजोग दिता उन्होंने मैं आप दे दिलों रहनी ते करदाई हाँ। सतगुरु जी कृपा करन कि समूह संगत इस तरह ही संजोग दिंदियां रहन। ते ए भाई पाल सिंह रंधावा जी अते असीं तहे दिलों धन्नवाद हाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, जिन्हां ने सानूं बाबा जी नाल मिलाया अते गुरु चरणां नाल जोड़ी रखिया। हमेशा ही बाबा जी जदों भी सानूं बाहर या घर परिवार या असीं कितें बाहर दफ्तर विच मिलदे हाँ ते सानूं हमेशा ही गुरु चरणां नाल जोड़न दी उदाहरणा देंदे हन अते हमेशा ही सानू वो गुरु ग्रंथ साहिब जी दे राह वल तोड़दे हन। बड़ा खुशी भरिया दिन है कि 16वां उसोही शादी समारोह भाई बाबा पाल सिंह जी की रनवाई हेठ विश्व जन कल्याण ट्रस्ट दे बाणी भाई बाबा पाल सिंह जी वालों हर साल की तरह इस साल भी 16वां मसूही शादी जरूरतमंद जोड़ियां दा विआह बड़ी धूमधाम दे नाल
श्रद्धा पूर्वक के नाल सारयां दे सहयोग के द्वारा मनाया जाता है। मैं दसना चाहुंदा हां कि इह उह परिवार ने जिन्हां परिवारां विच विआह बड़ी विआह दी बड़े चेजे ढंग नाल उहनां नूं इस साल दी विआहां दे करवाउण लई विआह दी बड़े सालां बाद ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ ਮਿੱਤਲ ਦਾਸ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਯੋਗ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਜੁੜੇ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਲਈ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੋਲਮਨ ਸੂਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ, ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੇਲ ਆਈ ਡੀ ਹੈ headquarter.ihrc ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ तो सानू दस सकदा है। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। नाभा में एक्साइज विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर शमशान घाट के अंदर जमीन के नीचे दबाकर रखी शराब की खेप को किया बरामद। फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखते हुए पुलिस कमिश्नर जालंधर गुरुशरण सिंह संधू ने बल्ट्रन पार्क का किया दौरा। शहर में सुरक्षा के प्रबंध किए कड़े। धूरी में मुख्यमंत्री की बहन ने किया धान की सरकारी खरीद का उद्घाटन। किसानों व आढ़तियों को आ रही मुश्किलों को सुन जल्द हल करवाने का दिया आश्वासन। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।